हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल मोहम्मद वहाब मिर्ज़ा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट 2024 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को। ऐसे स्टूडेंट जो कि अंडर ग्रेजुएट एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो हमारी वेबसाइट edummy.com से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास बोथ एटीपी प्रोडक्शन एंड कंजप्शन इज द फीचर ऑफ ओनली। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है ग्लाइकोलाइसिस, सेकंड हमारे पास है क्रेब्स साइकिल, थर्ड हमारे पास है लिंक रिएक्शन एंड लास्ट वन इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। यहाँ हमने बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोसेस है जिसमें एटीपी कंज्यूम भी हो रहा होता है और प्रोड्यूस भी हो रहा होता है। तो ये हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस वो प्रोसेस है जिसमें हमारे पास एटीपी बन भी रहे होते हैं और कंज्यूम भी हो रहते हैं। तो ए ऑप्शन इज राइट। द नेक्स्ट वन एमसीक्यूज इज विच प्रोसेस ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन जनरेट मोर नंबर ऑफ रिड्यूस NAD। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है ग्लाइकोलाइसिस, सेकेंड हमारे पास है लिंक रिएक्शन, सी हमारे पास है क्रैब साइकिल एंड द लास्ट वन इज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास होते हैं क्रैब साइकिल, जिसमें हमारे पास जाते हैं ना मैक्सिमम नंबर ऑफ NADH या NADH प्रोड्यूस हो रहते हैं। सो सही ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास, हाउ मैनी नंबर ऑफ फोटोन आर रिक्वायर्ड टू एक्साइट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है 1, 2, 3 एंड 4। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास है 1। जितने हमारे पास प्रोटॉन होंगे उतने हमारे पास इलेक्ट्रॉन ऑक्साइड होंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, फंक्शनल ग्रुप ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ए इज डिफरेंट फ्रॉम क्लोरोफिल बी। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है CH3, सेकंड हमारे पास है CHO, थर्ड वन इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH एंड लास्ट वन इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास है अल्फा CH3। नेक्स्ट हमारे पास है नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन डैश ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है हाइड्रोफिलिक रीजन, सेकंड हमारे पास है साइटोल, थर्ड हमारे पास है टेल पोर्शन एंड लास्ट वन इज हाइड्रोफोबिक एंड। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास है हाइड्रोफिलिक रीजन में, अल्फा ऑप्शन इज राइट। द नेक्स्ट वन एमसीक्यू इज इट एक्ट एज अ केमिकल लिंकेज बिटवीन द कैटाबोलिज्म एंड एनाबोलिज्म। द फर्स्ट वन इज FADH2, second is NADH positive, the last सी हमारे पास है साइटोक्रोम एंड द लास्ट वन इज ATP। तो ATP जो होता है ये एक्ट कर रहे होते हैं एज अ केमिकल लिंकेज बिटवीन द एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, दे एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। ऑप्शन हमारे पास है एक्टिव साइट, बी हमारे पास है इनरिवर्सिबल इनहिबिटर, सी हमारे पास है रिवर्सिबल इनहिबिटर एंड द लास्ट वन इज कोफैक्टर। तो इसका सही ऑप्शन वापस है एक्टिव साइट जो होता है ये एक्ट कर रही होती है एज अ ब्रिज बिटवीन द एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, अल्फा ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट वन एमसीक्यू हमारे पास है, द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी नंबर ऑफ रीजन। फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकंड वापस है 2, थ्री वापस है 3 एंड लास्ट वन इज 0। तो एक्टिव साइट में वापस 2 रीजन होते हैं, बीटा ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, All of the following are sub unit of DNA molecule, DNA nucleotide except. First option वापस है nitrogenous base, B हमारे पास है phosphate group and C हमारे पास है choline. तो choline जो होता है ये basically DNA nucleotide का parts नहीं होते, so C option is right. The next one is the structure of the fibrous protein comprising of the polypeptide chain in the form of, first option वापस है cluster, second वापस है spherical or curl ball, सेम वापस है फ्लैट अनकॉइल्ड चेन एंड द लास्ट वन इज लॉन्ग स्ट्रैंड और फाइब्रल। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास है डेल्टा, लॉन्ग स्ट्रैंड और फाइब्रल्स। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कार्बन इन कीटोन शुगर इज डिवाइड ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। द फर्स्ट वन ऑप्शन इज कार्बन 1, सेकेंड हमारे पास है कार्बन 2, थर्ड हमारे पास कार्बन 3 एंड लास्ट वन इज कार्बन 1 एंड कार्बन 3। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास है कार्बन नंबर 2, बीटा ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है, लिपिड कंटेन डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कंपेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है लोअर प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, बीटा हमारे पास हायर प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, सी हमारे पास है हायर प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एंड लास्ट वन इज हायर पोर्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। सो इसका सही ऑप्शन हमारे पास है बीटा, हायर पोर्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ कीटो शुगर। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है ग्लाइसरलडिहाइड, सेकंड हमारे पास है राइबोज, सी ऑप्शन हमारे पास है डी हाइड्रोक्सी एसीटोन एंड लास्ट वन इज ग्लूकोज।
ये हमारे पास जो होते हैं डीहाइड्रोक्सी एसीटोन जो होता है, ये हमारे पास एग्जाम्पल है कीटो शुगर की। जबकि ये हमारे पास है अल्डी शुगर, ग्लाइसरॉलडिहाइड, राइबोस एंड ग्लूकोज, दीज आर द अल्डी शुगर। द नेक्स्ट एमसीक्यूज इज द परसेंटेज ऑफ द डीएनए इन द ममेलियन सेल टू द टोटल सेलुलर वेट। फर्स्ट ऑप्शन वापस है 4%, सेकेंड वापस है 3%, थर्ड हमारे पास 1.1% एंड द लास्ट वन इज 0.2%। सो इसका सही ऑप्शन वापस है 0.2%। ये हमारे पास टोटल परसेंटेज होती है डीएनए की ममेलियन सेल में। द नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है ऑल ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द ट्रांसपोर्ट रिक्वायर द एनर्जी फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटीरियल पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट। फर्स्ट ऑप्शन वापस अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, सेकेंड वापस है अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन, सी हमारे पास है फेगोसाइटोसिस एंड लास्ट वन हमारे पास है फिनोसाइटोसिस। तो अगर तो कंसेंट्रेशन अगेंस्ट होगी तो वो भी हमारे पास एक्टिव होगी। फाइगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल हैं, जबकि अगर मूवमेंट अलोंग द कंसेंट्रेशन होगी तो वो हमारे पास पैसिव होगी। सो इसका सही ऑप्शन वहाँ पास है अल्फा। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास द प्रीकर्सर ऑफ द राइबोसोमल सब यूनिट आर लोकेटेड इन। फर्स्ट ऑप्शन वापस है आर ई आर, सेकेंड वापस है साइटोप्लाज्म, सी वापस है पेरिफेरल एरिया ऑफ द न्यूक्लियस, जबकि लास्ट वन हमारे पास है सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। तो प्रीकर्सर ऑफ राइबोसोमल ये लोकेटेड होते हैं पेरिफेरल एरिया ऑफ द न्यूक्लियोलस, ये ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास इट इज एग्जांपल ऑफ द सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। फर्स्ट ऑप्शन वापस है माइटोकॉन्ड्रिया, सेकेंड वापस है गॉल्जी अपरेटस, थर्ड वापस है राइबोसोम एंड द लास्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट। तो इसका सही ऑप्शन वापस है माइटोकॉन्ड्रिया, ये एनिमल सेल में और प्लांट सेल दोनों में होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, बी हमारे पास है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, सी हमारे पास है आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड द लास्ट वन इज थैलाकोइड मेम्ब्रेन। तो इसका सही ऑप्शन हमारे पास है बीटा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। लास्ट वन एमसीक्यू हमारे पास इन प्राइमरी सेल वॉल द वन विच इज अरेंज इन द क्रिस क्रॉस मैनर इज। फर्स्ट ऑप्शन वापस है सेल्यूलोज, सेकंड वापस है हेमी सेल्यूलोज, ये हमारे पास है पैक्टिन एंड द लास्ट वन इज लिग्निन। तो इसका सही ऑप्शन वापस है सेल्यूलोज।